आप सभी बुद्धवादी बौद्ध भिक्खु पंतेगण प्रबुद्ध समाज अम्बेडकरवादी बहुजनवादी समस्त मूल निवासियों को आज नमो बुद्धाय सादर जय भीम करता हूँ। साथियों, जैसा कि आज 7 मई 2020 तथागत गौतम बुद्ध जी का जन्म दिवस के रूप में हम लोगों ने आज मनाया है, भारत में संपूर्ण भारत के लोग, सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन हो या जो भी संगठन, सारे लोगों ने गौतम बुद्ध जी का बुद्ध जयंती आज मनाने का काम किया है। अब भारत ही नहीं, आज दुनिया विश्व में गौतम बुद्ध जी का जन्मदिवस मनाने का काम किया है। लेकिन साथियों, जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूं कि आज का जन्मदिवस बुद्ध जयंती जो मनाई गई है, ये सादे भाव में मनाई गई, इसलिए सादे भाव में मनाई गई है कि हम लोग लगातार महामारी कोरोना की बीमारी से लगातार हम लोग जूझ रहे हैं। भारत ही नहीं, दुनिया जूझ रही है, संकट के घेरे में दुनिया है। ऐसी दिशा में दुनिया में लॉकडाउन का पालन करते हुए बुद्ध जयंती मनाने का काम किया गया है। और हम लोगों ने लगातार, चाहे वो अंबेडकर जयंती हो, महात्मा ज्योतिराव फुले की जयंती हो, मानवर कांशीराम जी की जयंती हो, हम लॉकडाउन के अनुपालन में ही मनाने का काम किया है। साथियों, मुझे सिर्फ इतनी बात कहना है कि आज तथागत गौतम बुद्ध जी की जो हम जयंती मनाने का काम किए हैं, सिर्फ जयंती भर मना करके हमको नहीं रहना है। तथागत ने हमको रास्ता दिया है, हमको संदेश दिया है, मानवता का संदेश दिया है, भाईचारे का संदेश दिया है, शांति का संदेश दिया है। साथ ही साथ हमको एक अधिकार भी दिया है, एक आंदोलन भी दिया है, जो भारत ही नहीं दुनिया के लोगों ने उस आंदोलन का साथ दिया है। और वो आंदोलन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के नाम से उन्होंने आंदोलन दिया। उस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे भारत के नहीं, दुनिया के लोगों ने गौतम बुद्ध जी के तथागत के विचारों से प्रभावित होकर के एक भिक्खु संघ बनाया। हम भिक्खु संघ के रूप में हमारे लोग रहा करते थे, हमारे लोग झुंड के रूप में रहा करते थे, लेकिन झुंड को लोगों ने टुकड़े में बांटने का काम किया। उन लोगों ने टुकड़े में बांटने का काम किया जिनको निजी स्वार्थ था, जो हमारे भारत को टुकड़े में बांटने का काम किया, हमारे लोगों को टुकड़े में बांटने का काम किया, हमारे लोग झुंड में रहा करते थे। हम बहुजन थे, हमको अल्पजन बनाया गया, हम जमाती में थे, हमको जाति बनाया गया, जिसके विरोध में, इन्हीं सब के विरोध में तथागत जी को सामने आना पड़ा और आंदोलन लेकर के आना पड़ा। आंदोलन का नाम उन्होंने रखा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और दुनिया में लेकर के गए, इसके विरोध में दुनिया में लेकर के गए। उस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे तमाम महापुरुष पैदा होकर के, बहुजन के मां के पेट से पैदा होकर के तमाम महापुरुष उस आंदोलन का आगे बढ़ाने का काम किया, इसके विरोध में आगे बढ़ाने, उनके विरोध में आगे बढ़ाने का काम किया, जिन लोगों ने जाति व्यवस्था दिया, जिन लोगों ने भर व्यवस्था दिया, जिन लोगों ने ऊंच नीच की व्यवस्था दिया, जिन लोगों ने टुकड़े में बांटने का काम किया, जिन लोगों ने जमातियों को जातियों में बांटने का काम किया, उनके विरोध में हमारे लोगों ने, बहुजन समाज के लोगों ने उनके विरोध में काम करने का काम किया और गौतम बुद्ध जी के विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया। चाहे वो संत गुरु कबीर साहब रहे हों, चाहे रविदास जी रहे हों, चाहे दरियादास जी रहे हों, चाहे तुकाराम रहे हों, चाहे घासीराम रहे हों, संत गाडगे जी रहे हों, महात्मा ज्योतिराव फुले रहे हों, नारायणा गुरु रहे हों, पेरियार जी रहे हों, रामास्वामी नायकर जी रहे हों, महात्मा ज्योतिराव फुले, या हम लोगों ने तो उस चेहरे को देखा है, हमने तो देखा है, ललित सिंह यादव को देखा है, रामस्वरूप वर्मा जी को देखा है, और उन जो
इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के काम किया सबसे बड़ा आंदोलन बाबा साहब ने आंदोलन बढ़ाने का काम किया। उसी आंदोलन को बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करने का काम किया। यदि भारत में कोई बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया, सबसे बड़ा आंदोलन यदि भारत में कोई खड़ा करने का काम किया वह है कांसीराम जी। वो कांसीराम जी ने आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया बड़े पैमाने पर। हम तो नहीं जानते थे, हमको तो बिल्कुल पता नहीं था, जय भीम करना नहीं जानते थे। ये भारत में जय भीम की जो ताकत आई है, आज सारे लोग जय 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 भीम का जो नारा लगा रहे हैं, सारे लोग संगठन बनाकर काम कर रहे हैं। कोई कोई आर्मी का काम कर रहा है, कोई भीम आर्मी का काम कर रहा है, कोई समता दलित का काम, सभी लोग जो काम कर रहे हैं, ये ताकत किसकी है? ये बाबा साहब ने न्यू बनाया है। और दीवार खड़ा करने का काम, मकान बनाने का काम कांसीराम जी ने किया। कांसीराम जी यदि इस भारत में बहुजन की माँ के पेट से पैदा नहीं हुए होते तो शायद हमको जय भीम करने का मौका नहीं मिलता। जय भीम हम जानते भी नहीं, हम तो जानते भी नहीं थे। हम तो जय भीम करना के लिए जब मैंने शुरू किया, जब जानकारी हुआ जय भीम करते थे, तो हमारे ही परिवार के लोग कहा करते थे जय भीम होता क्या चीज है, इसलिए कि वो जय राम में, जय श्री राम में, जय सिया राम में मस्त थे। वो जय भीम करना जानते थे, सुनना भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन धीरे धीरे हमारे लोग बहुजन समाज के लोगों ने जय भीम करना शुरू कर दिया। हमको तो ये भी नहीं पता था कि भारत में कितने हमारे महापुरुष बहुजन महापुरुष हमारे कितने लोग आए, और गौतम बुद्ध जी के मोमेंट के कितने लोगों ने आगे उस विचारधाराओं को कितने लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है, हमको बिल्कुल पता नहीं था। यदि पता हुआ है तो कांसीराम जी के द्वारा ही पता हुआ है। अरे कांसीराम जी, ये हमारा इतिहास, हमारा अधिकार, हमारे बहुजन समाज का रूप, हमारे बहुजन समाज का चेहरा, हमारे बहुजन समाज का नाम जो दलदल में फंसा करके छोड़ दिया गया था, अरे कांसीराम जी आप आकर के उस दलदल में से निकालने का काम किया, उस चेहरे को निकालने का काम किया, उस नाम को निकालने का काम किया, उस इतिहास को निकालने का काम किया, उस अधिकार को बताने का काम किया, जय भीम को ताकत को बताने का काम किया। आज जय भीम की ताकत कहीं देने की मैं इस चेयर पर बैठ करके और अपना विचार रखना साथियों बड़े खेत के साथ कहना पड़ता है। आज हमारे में कोई वो ताकत नहीं रह गई जो ताकत हमको मिली, जिन ताकत की बदौलत हम यहां पहुंचे, जिन ताकत के बदौलत हमको ये जानकारी हुई, वो ताकत हमारे बीच में नहीं है। वो ताकत भी नहीं है, वो आंदोलन भी अब नहीं हमारे हमारे बीच में आगे बढ़ने का काम कर रहा है। वो आंदोलन भी रुका हुआ है, वो मोमेंट रुका हुआ है, उस चेहरे पर मोमेंट चला था, विचारधारा चले थे, वो विचारधारा रुका हुआ। साथियों मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग जान गए हो, सबको पता हो गया है, बच्चे बच्चों को पता हो गया है, सारे प्रबुद्ध के लोगों को पता हो गया है, सारे बहुजन समाज के लोगों को पता हो गया है, सारे मूल मसीहों को पता हो गया है कि आज वो विचारधारा हमारे दलदल में फंसाने का काम हो रहा है। आज हमारा अधिकार दलदल में फंसाने का काम हो रहा है, अधिकार हमारा छीना जा रहा है। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में व्यवस्था, गौतम बुद्ध जी के विचारों पर उन्होंने संविधान में व्यवस्था दिया है, गौतम बुद्ध ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय दिया, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समता स्वतंत्रता बंधुत्व और न्याय दिए। मनोहर कांसीराम ने तो बहुजन समाज ही दे दिया। हमारे लोग बाबा साहब ने 6,743 जातीय टुकड़ों में बटे हुए लोगों को तीन टुकड़ा बनाकर केकड़ा कर दिया, SC ST OBC। और मनोहर कांसीराम जी ने 6,743 जातियों को इकट्ठा करके बहुजन समाज दिया। आज हमारे बहुजन समाज के लोग आज सीना तान करके आप अलग अलग संगठन बना करके, अलग अलग राजनीतिक पार्टी बना करके, अलग अलग सामाजिक संगठन बना करके हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम हम सामने इस बहुजन समाज को नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए नहीं दे पा रहे हैं कि हम झुंड नहीं बना पाए, हम झुंड नहीं टुकड़ों में बटे हुए काम कर रहे हैं। अब हमको जरूरत है एक मंच पर आने की, इसलिए हमको एक मंच पर आने की जरूरत है। ये समय का पुकार है। आप देख रहे हो कि संविधान, हमारा संविधान मिटाया जा रहा है, संविधान में बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है उसको खत्म किया जा रहा है। अभी अभी आप लोगों को पता हो गया होगा, अब सबको पता हो गया होगा, सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल यार ये लागू करके आपका अधिकार ही खत्म कर दिया। जिस तरीके से पहले टुकड़े में हमारे लोगों को बांट रखा गया था, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने टुकड़े में जोड़ने का काम कर रहे थे, उस समय भी टुकड़े में बांटने का काम किया गया था, आज भी टुकड़े में बांटा जा रहा है, अगड़ा पिछड़ा किया जा रहा है,
अति दलित और दलित किया जा रहा है, अति पिछड़ा और पिछड़ा किया जा रहा है। ये सब सारी जो है, सारी जो शक्रिसी आरएसएस की है, इसको आप सबको पता हो गया है। इससे यदि आपको लड़ाई लड़ना है, अपने संविधान को बचाना है, अपने आरक्षण अधिकार को बचाना है, तो आप क्यों नहीं एक मंच पर आ रहे हैं? आप क्यों नहीं कांसी राम जी के मूवमेंट को चलाने के लिए एक मंच पर आ रहे हैं? कहने के लिए तो आप सभी लोग कहते हो, हम सभी लोग कहते हैं, कहने के लिए तो हम सभी कहते हैं, हम कांसी राम जी के हम मूवमेंट को चलाना चाहते हैं, हम कांसी राम के विचारधारा पर चलना चाहते हैं। लेकिन मैं तो कहना चाहता हूं, तराजू को पलड़े पर तौलिए। आपको तराजू के पलड़े पर तौलना पड़ेगा कि कांसी राम जी के मूवमेंट को चलाने के लिए किसके पास त्याग है, कौन वफादारी के साथ में आ रहा है, कौन ईमानदारी के साथ में आ रहा है, किसके पास त्याग है, कौन ईमानदारी के साथ में काम करने के लिए आ रहा है। मैं तो देखा हूं हर मंच पर देखा हूं, आज भी देख रहा हूं। बहुत से लोग जो है सांसद विधायक बनने के लिए काम कर रहे हैं कि हमारे ये लोग सांसद विधायक बन जाए, हम सांसद विधायक बन जाए। सांसद विधायक बन करके क्या कर रहे हैं? संसद विधायक लोग बन करके क्या कर रहे हैं? पैसा कमा रहे हैं, परिवार चला रहे हैं। और मैं तो देखा हूं, मैं तो देख करके ही आप लोगों के बल पर मैंने देखा कि कांसी राम जी के पिछड़ा जो किसी प्रकार का कोई लालच नहीं, कांसी राम जी का पिछड़ा धारा जो आई वो किसी प्रकार का डर नहीं, किसी प्रकार का भय नहीं, किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं। निस्वार्थ भाव से कांसी राम साहब ने काम किया है, और निस्वार्थ भाव में कौन काम करने वाला है, कौन काम कर रहा है, इस पर आपको गौर करने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। मैंने तो सब कुछ ढूंढा है लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। साथियों, बड़े विवश होकर के अपना हिम्मत बांध करके मैंने ये सावित्रीबाई फुले को मैंने तैयार किया है, और इसीलिए तैयार किया है कि सावित्रीबाई फुले कांसीराम जी की चेला हैं, कांसीराम जी ने सावित्रीबाई फुले का आशीर्वाद दे चुके हैं। और मैं तो साहब के साथ में, कांसीराम साहब के साथ में मैं काफी दिनों तक मैंने काम किया है, मुझे सेवा करने का मौका मिला है। साथियों, मैंने सब कुछ देखते हुए सावित्रीबाई फुले को मैंने तैयार किया है, और सावित्रीबाई फुले का संघर्ष आप लोगों को पता है, आप लोग जानते भी हो। सावित्रीबाई फुले सत्ता में, आज सरकार जिसकी है सत्ता में, सरकार है, नीचे भी है ऊपर भी है, उस सत्ता की सरकार में पार्टी में वो सांसद बनकर के रहेंगे। लेकिन जब इनको पता चल गया कि हमारे बहुजन का अधिकार खतरे में है, संविधान हमारा खतरे में है, आरक्षण हमारा खतरे में है, तो इन्होंने सत्ता को लात मारा, पार्टी को लात मारा, संसद पद को लात मारा। लात मार करके किसके लिए? ये बहुजन समाज के लिए, संविधान को के लिए, अधिकार के लिए, आरक्षण के लिए इन्होंने लात मारा। और आज निस्वार्थ भाव, बिना लालच का, बिना स्वार्थ का, बिना डर का, बिना भय का वो काम कर रही हैं। और इसीलिए मुझको बार बार मुझको कहना पड़ता है कि हम सभी लोग सपना पूरा करने के लिए बात करते हैं, हम सभी महापुरुषों का सपना पूरा करेंगे, हम सभी लोग बाबा साहब का सपना पूरा करेंगे, हम सभी लोग कांसीराम जी का सपना पूरा करेंगे, हम गौतम बुद्ध जी का सपना पूरा करेंगे, सारे महापुरुषों का सपना पूरा करने के लिए सभी लोग बात करते हैं। लेकिन मेरे समझ से मैं तो देखता हूं सपना नहीं पूरा होता, अपना पूरा कर रहे हैं। वो सपना नहीं पूरा करते हैं, वो अपना पूरा करने के लिए लगे हुए हैं। इस पर आपको गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। और जब तक आप इस पर विचार नहीं करोगे, विचार करके जब तक आप एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे, मैं तो चाहता हूं, बार बार मैं कहता हूं कि क्यों नहीं बहुजन समाज के लोग, जो तमाम लोग काम करते हैं, एससी एसटी ओबीसी काम कर रहे हैं, माइनॉरिटी के लोग काम कर रहे हैं, सारे लोग काम करना चाहें, हम तो चाहते हैं, हम चाहते हैं। बार बार आप लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग क्यों नहीं अलायंस का मंच बनाते, बहुजन अलायंस मंच बनाइए। अब बहुजन अलायंस मंच बना करके हम क्यों नहीं बहुजन का काम करें, हम क्यों नहीं संविधान बचाने के लिए काम करें, हम क्यों नहीं संविधान लागू करने के लिए काम करें, हम क्यों नहीं आरक्षण को बचाने के लिए, आरक्षण को लागू कराने के लिए काम करें, हम क्यों नहीं आरएसएस की सरकार को हटाने के लिए काम करें। और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो वो दिन दूर नहीं, वो तो बार बार कहते हैं, वो बार बार कहते हैं कि हम इस देश को जहां पर बाबा साहब ने, और बाबा साहब नहीं,
783 लोगों ने उस संविधान का समर्थन किया। यही नहीं, आरएसएस का प्रमुख डॉक्टर हेडगेवार ने भी उस बाबा साहब के संविधान का समर्थन किया। बाबा साहब ने धर्मनिरपेक्ष संविधान दिया, धर्मनिरपेक्ष संविधान को ये आरएसएस और बीजेपी की सरकार हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। और जहां पर लोकतंत्र है, जहां पर प्रजातंत्र है, वहां पर राजतंत्र कायम करना चाहती है। तो आप दोनों में से एक फैसला आपको करना पड़ेगा। या तो आपको राजतंत्र यदि चाहिए तो उनके शरण में रहिए, और यदि लोकतंत्र चाहिए, प्रजातंत्र चाहिए, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शरण में रहिए। दो में से एक फैसला आपको करना पड़ेगा। तो साथियों, आज पूरा देश चिंतित, संकट के घेरे में, कोरोना महामारी के संकट के घेरे में है, भुखमरी के कगार पर है, गरीबी से संकट के घेरे में है, बेरोजगारी के संकट के घेरे में है, चारों तरफ से बहुजन समाज को घेर लिया गया है। इस जाल से पार करके हमको आपको निकलने की जरूरत है। अरे बहुजन समाज के लोगों, अब संगठित हो जाए, अब समय आ गया है गौतम बुद्ध जी के विचार को आगे बढ़ाने का, वो समय आ गया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारधारा को आगे बढ़ाने का वो समय आ गया है। महात्मा ज्योतिराव फूले के विचार को आगे बढ़ाने का, कबीर के आगे बढ़ाने, कबीर साहब के विचार को आगे बढ़ाने का, रविदास जी के विचार को आगे बढ़ाने का, नारायण गुरु पेरियार, रामास्वामी नायकर, ललित सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा, ये विचारक थे। इनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए, आपको कांशीराम जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए वो समय आ गया। और यदि ऐसा हम नहीं करते हैं, प्रबुद्ध समाज के लोग नहीं करते हैं, तो इसका जिम्मेदार भी हम ही आप हैं। इसके जिम्मेदार भी हम ही आप हैं। गुलामी यदि आती है तो इसके जिम्मेदार इस बहुजन समाज के जो नेता हैं, जो सांसद विधायक मंत्री हैं, और जो सामाजिक संगठन बना करके काम करने वाले लोग हैं, जो राजनीतिक संगठन बना करके काम करने वाले लोग हैं, ये जिम्मेदार हैं। जो गुलामी यदि आ रही है, इसके जिम्मेदार आप हम सब हैं। बहुजन समाज जिम्मेदार नहीं है, इसलिए वो तो तैयार है, आप नहीं तैयार हैं। अलग अलग डफली, अलग अलग राग आलाप रहे हैं, अलग अलग मजा नहीं आएगा, अलग अलग बजाने की जरूरत नहीं है। अब शामिल बाजा बजाने की जरूरत है। सभी लोग इकट्ठा हो जाइए, सभी लोग के मंच पर आ जाइए। आप राजनीतिक मंच पर ना आइए, एक सामाजिक मंच पर आइए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आपको एक मंच दिया है, 1956 में उन्होंने मंच दे दिया था, उन्होंने कह भी दिया था, उन्होंने कहा था, इसीलिए वो अंगीत करते हुए उन्होंने कहा था, हिंदू में रह करके मैं नहीं मरूंगा, हिंदू धर्म में रह करके मैं नहीं मरूंगा। इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था, इसलिए उन्होंने पंचशील झंडा हमको दे दिया, पंचशील का झंडा दिया, पंचशील का मंच दिया। उस मंच पर आप आइए, इकट्ठा हो जाइए, और गौतम बुद्ध जी के तथागत के विचारों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। और लड़ाई इस भारत में किसकी है? आज तो संबोधित कर रहे थे, संबोधन उनका मैंने सुना है, कि भारत का प्रधानमंत्री, मैं तो भारत का प्रधानमंत्री करता हूं, वो अपना हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कहते, मैं हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान आप नहीं देख रहे कि इतिहास आपका बदला जा रहा है, आप अभी नहीं देख रहे कि भारत को बदलने का काम हो रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा हिंदुस्तान देख दिया है, लेकिन ये लोग हिंदुस्तान बना रहे हैं, भारत को हिंदुस्तान बना रहे हैं, भारत को भारत माता बना रहे हैं। ये लगातार आपके इतिहास को बदलने का काम हो रहा है, भारत को बदलने का काम कर रहे हैं, इनकी बारीकी को समझने की जरूरत है। आज प्रधानमंत्री जी कह रहे थे बुद्ध के विचारों पर चलने की जरूरत है, बुद्ध के विचारों पर चलने के, इसलिए कह रहे हैं कि वो जानते हैं कि आज भारत बुद्ध के विचारों पर चल दिया। इनको तो वोट चाहिए, इनको तो कोहट लेकर के कुर्सी चाहिए, इसलिए बार बार वो बोल रहे हैं कि बुद्ध के विचारों पर अब हमको चलने की जरूरत है, सबको चलने की जरूरत है। बुद्ध के विचार पर चलिए आप, बुद्ध के विचारों पर चलते तो हम आपके साथ में होते, बुद्ध के विचार पर चलेंगे तो हम आपके साथ में रहेंगे, लेकिन आप बुद्ध के विचार पर थोड़े चलते हैं,
आप तो भारत माता के विचार पर चलते हैं, आप तो आरएसएस के विचारधारा पर चलते हैं, आप तो हिंदू विचारधारा पर चलते हैं, आप तो राम राज लाना चाहते हैं। गौतम बुद्ध जी क्या चाहते थे? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय चाहते थे। गौतम बुद्ध तो कहते थे इस देश में ये जाति व्यवस्था खत्म हो, इस देश में वर्ण व्यवस्था खत्म हो, इस देश में छुआछूत खत्म हो, इस देश में भेदभाव खत्म हो, इस देश में अमीरी गरीबी खत्म हो, इस देश में समता हो, इस देश में स्वतंत्रता हो, इस देश में बंधुत्व हो, इस देश को न्याय मिले। आप क्यों नहीं इस पर बात? आप आइए, आप संविधान को लागू करिए। बाबा साहब ने जो संविधान में समता स्वतंत्रता बंधुत्व और न्याय दिया है इसको आप लागू कीजिए। मैं आपके साथ में, पूरा बहुजन आपके साथ में होगा। लेकिन आप चाहते नहीं हैं। आप तो अब आप समझते हैं कि ये बहुजन के लोग हमारी सीक्रेसी को नहीं जानते। हम लोग सब जान गए हैं, हम लोग सब पता है, हमको पता है, सारे लोग जान गए हैं। इसलिए मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से बार बार ये कहता हूं कि आप लोग होशियार हो जाइए, आप लोग सचेत हो जाइए, आप लोग एक जमाती में बनिए, ये आप लोग संगठित हो जाइए, आप लोग एक संघ में आइए, आप लोग गौतम बुद्ध जी के विचारधारा में आकर के उनके विचारधारा को आगे बढ़ाइए और आप हमका एक हमारा आपका एक मंच हो। बार बार आप लोगों से कहूंगा ये करना पड़ेगा। यदि आप लोग ऐसा नहीं करते हो तो हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है कि संविधान को हम अकेले लागू कर देंगे। आपके अंदर भी क्षमता नहीं है। हमको सबको मिल करके संविधान को लागू कराने की आवाज उठाना पड़ेगा और लागू कराने के लिए हमको एक जमाती बनानी पड़ेगी। हम सबको, सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए साथियों मैं बार बार यही कहूंगा कि आप सभी लोग, मैं तो कहता हूं आप आइए, आप छाटिए ना, कौन नेतृत्व करेगा? मैं नहीं चाहता कि सावित्रीबाई फुले नेतृत्व करें, कन्हैया नेतृत्व करें। मैं तो चाहता हूं आप नेतृत्व करिए, हम आपके साथ में खड़े होंगे। लेकिन आप सही वफादारी, ईमानदारी, लगन और त्याग के साथ में आइए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। कहते कुछ और, करते कुछ और, कभी कुछ कहते हो आप, कहीं कुछ कहते हो आप, ऐसे नहीं काम चलेगा। और मैं तो सावित्री बाई फूले को बहादुरी कहता हूं, उसका मैं वो उस बहादुरी लड़की को मैं बहादुरी देता हूं। बहादुर का हमने जो है पद दिया, बहादुर लड़की है कि जो उन्होंने कह दिया है कि हमको इस दुनिया और देश और भारत में हमको कुछ भी नहीं चाहिए, हमको सिर्फ सिर्फ बहुजन मोमेंट चाहिए और बहुजन विचारधारा चाहिए, और बहुजन विचारधारा को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमको भारत का संविधान लागू कराने का हम काम करेंगे और भारत के संविधान में जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो व्यवस्था दिया है वो संपूर्ण रूप से सबको मिलना चाहिए, इसके लिए हम काम करेंगे। सबका अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए साथियों एक बार इनको भी तो परखो, इनको भी तो देखो। सबको देखा है बार बार, सावित्री को देखो एक बार। आप देखते आए हो सांसद, ये सावित्री जो तीन बार जिला पंचायत सदस्य रही हैं, विधायक रही हैं, सांसद रही हैं, लेकिन आप पता तो करो इनके पास है क्या। इनके पास कुछ भी नहीं है। जो भी कुछ इनके पास है वो सब बहुजन समाज का है। जो भी कुछ इनके पास था वो सब बहुजन समाज में खर्च कर दिया। इनके पास कुछ भी नहीं है। एक इंच जमीन नहीं, कोई बैंक बैलेंस नहीं, कोई लालच नहीं, कोई परिवार नहीं। इन्होंने तो जिस तरीके से मानवर कांशीराम साहब ने शपथ लेकर के और बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए, बहुजन समाज का अधिकार दिलाने के लिए काम करते रहे हैं, उन्हीं का शपथ दोहरा करके लेकर के चल रही हैं। इन्होंने कह दिया है कि मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा, मेरे पास एक पैसे का, हमारे पास कोई बैंक बैलेंस नहीं होगा, जो भी कुछ है वो बहुजन समाज के लिए मैं काम करूंगा, बहुजन समाज की मैं बेटी हूं, बाबा साहब की बेटी हूं, कांशीराम जी की बेटी हूं, ये कह करके ये काम कर रही हैं। और इन्होंने जो हमने, मैं उस पार्टी के संस्थापक हूं, बड़ा सोच समझ करके मैंने पार्टी बनाई, इसलिए कि कहीं मानवर कांशी का हमारे महापुरुष का नाम न डूब जाए। डूबते हुए नाम को मैंने पकड़ा है,
इस नाम को हम डूबने नहीं देंगे। जिन्होंने जो है ये ताकत का एहसास कराया, भारत के भोजनों को ताकत का एहसास कराया है, जय भीम की ताकत का एहसास कराया है, संविधान में हम नहीं जानते संविधान क्या होता है, संविधान को जानकारी दिलाने का काम किया है, जय भीम हम कहना नहीं जानते थे, जय भीम कहलवाने का उन्होंने काम किया है, जय भीम की ताकत का एहसास कराने का काम किया है। हमको पता नहीं था कि भारत के संविधान में बाबा साहब ने क्या क्या व्यवस्था दिया है, सबको उन्होंने बताने का काम किया है। ऐसे महापुरुष को हम जिंदा रखना चाहते हैं, इनका मोमेंट, इनका मिशन कहीं डूब न जाए, इसलिए इस महापुरुष के नाम पर मैंने कांशीराम बहुजन समाज पार्टी बनाया है, और कांशीराम बहुजन समाज पार्टी बना करके और राष्ट्रीय अध्यक्ष सावित्रीबाई फुले जी को बनाया गया है, जो कर्मठ, ईमानदार, लगन और त्याग, वफादारी के साथ वो काम कर रही है। मैं सारे लोगों से निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग सावित्री को बहन बेटी मान करके इनको आप इनके साथ में आइए, और सभी लोग साथ में मिल करके कांशीराम जी को मूवमेंट को आगे बढ़ाया जाए, उनके विचारधाराओं को आगे बढ़ाया जाए, और कांशीराम जी का जो नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, दलित पिछड़ा करो विचार कब तक सहोगे अत्याचार, दलित मुस्लिम करो विचार कब तक सहोगे अत्याचार, ये नारा जो रुका हुआ है इस नारे को पुनः हमको जीवित करना है, जिंदा करना है। इसलिए साथियों आप आइए, साथ में मिल करके हम सभी लोग एक मंच पर, कांशीराम बहुजन समाज पार्टी के मंच पर हमको आपको आप आइए, आपको मैं आमंत्रित करता हूं, आपका मैं स्वागत करूंगा, आपका सम्मान करूंगा। साथियों इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपना विचार दे करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आज के दिन तथागत बुद्ध जी का जो जन्मदिन है, इस मौके पर सारे बहुजन समाज, सारे मूल निवासियों को, सारे भिक्षुगणों को, सारे भंतेगणों को, सारे प्रभु समाज के लोगों को मैं अपने तरफ से, कांशीराम बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, नमो बुद्धाय जन सेवा समिति की तरफ से आप सभी लोगों को सादर नमो बुद्धाय करते हुए सादर जय भीम करता हूं। जय कांशीराम, जय बहुजन मूल निवासी समाज।